हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं समीर गोयल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टूरिज्म एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं थाईलैंड के बारे में कि थाई गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी अपडेट जो है वो दी गई है। वो अपडेट क्या है, किस तरीके से हम इंडियंस जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी आप एंड तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी इंट्रो में आपको बताया है कि आज की वीडियो थाईलैंड के बारे में रहने वाली है। बेसिकली थाईलैंड की अगर मैं बात करूं तो हम इंडियंस के लिए हमेशा से ही जो है एक हॉट डेस्टिनेशन रहा है। अगर इंटरनेशनल ट्रिप की मैं बात करूं तो मोस्टली इंडियंस जो है सबसे ज़्यादा जो है पसंद करते हैं थाईलैंड जाना। उसके कई सारे रीज़न हैं। पहली बार हम लोग थाईलैंड जाते हैं, एक इंटरनेशनल ट्रिप भी हो जाता है और बजट भी जो है वो बहुत ज़्यादा उसका नहीं आता है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। तो काफ़ी सारे रीज़न्स हैं थाईलैंड जाने के, जो कि लोगों को, हम इंडियंस को ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा सूट करते हैं। और इसी वजह से थाईलैंड हमारे लिए हमेशा से ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन की लिस्ट में सबसे टॉप पर रहता है। अब अगर मैं बात करूं वहाँ की गवर्नमेंट की, तो उन्होंने वहाँ जो है वीज़ा ऑन अराइवल जो है उसकी जो फीस है 2019 में की शुरुआत से वेव ऑफ कर दी थी। दो तीन बार जो है ये फीस पूरे साल भर में वेव ऑफ की गई थी थाई गवर्नमेंट की तरफ से। इसकी जो लास्ट लिमिट थी वो थी 30 अक्टूबर 2019, यानी कि 30 अक्टूबर 2019 तक अगर आप थाईलैंड जा चुके हैं तो आपको जो है वीज़ा ऑन अराइवल पर लगने वाली फ़ीस वो आपको नहीं देनी पड़ी होगी। यानी कि 2000 बाट जो कि इंडियन करेंसी में करीब 4 से 4500 रुपये के आसपास बनते हैं, वो फ़ीस आपको बिल्कुल भी देनी नहीं पड़ी होगी। वहाँ पर पूरी तरीके से वेव ऑफ रही होगी, जिसका फ़ायदा हज़ारों जो है हम इंडियंस ने उठाया है। निश्चित तौर पर मैं इस चीज़ को आपसे कहूँगा और आगे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम इंडियंस के लिए हॉट डेस्टिनेशन मैं कहूँगा कि थाईलैंड है, तो आगे भी जो है वहाँ जाने वाले इंडियंस के जो एज अ टूरिस्ट हैं उनमें कमी नहीं आने वाली है। तो गवर्नमेंट ने जो है अब एक और जो है इसमें अपडेट दे दी है। वो अपडेट ये है कि अब जो 30 अक्टूबर 2019 तक वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस जो है वो वेव ऑफ की गई थी, उसकी लिमिट बढ़ा करके अब गवर्नमेंट ने वो 2020 यानी कि अगले साल तक के लिए कर दी है। अगर आप अब 30 अप्रैल 2020 तक थाईलैंड जाते हैं, इस बीच में आप थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ से निश्चिंत हो जाइए कि वहाँ पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल पर लगने वाली फ़ीस नहीं देनी होगी। यानी कि 2000 बाट जो कि इंडियन करेंसी में 4 से 4500 रुपये के बीच में बनते हैं, वो आपको वहाँ पर नहीं देने होंगे, वो पूरी तरीके से वेव ऑफ होंगे अगर आप नॉर्मल लाइन में जाते हैं। अगर आप वहाँ पर एक्सप्रेस लाइन में जाते हैं तो ज़रूर आपको जो वहाँ पर चार्जेस लगते हैं सिर्फ वो चार्ज पे करने होंगे, ना कि आपको जो है वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस वहाँ पर देनी होगी। 30 अप्रैल 2020 तक फिलहाल वहाँ की गवर्नमेंट ने ये जो लिमिट है इसको बढ़ा दिया है, वीज़ा ऑन अराइवल पर लगने वाली फ़ीस जो है अब आपको वहाँ नहीं देनी है 30 अप्रैल 2020 तक। बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है थाईलैंड में, मैं बात करूं अगर आपके लिए तो बहुत ज़्यादा जो है डेस्टिनेशन आप वहाँ कवर कर सकते हैं। आपको 14 से 15 दिन का जो है टूरिस्ट वीज़ा वहाँ मिलता है, इजीली आप वहाँ काफ़ी सारी जगह जो है वो कवर कर सकते हैं। मोस्टली हम इंडियंस जो है वहाँ पर थाईलैंड अगर जाते हैं तो बैंकॉक या फिर पटाया जाते हैं, लेकिन इसके अलावा हम फुकेट जा सकते हैं, हम क्राबी जा सकते हैं, हम को पंगान जा सकते हैं, को समुई जा सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो हम इंडियंस ने बहुत ज़्यादा डिस्कवर नहीं किए हैं। हालांकि ये डेस्टिनेशन भी बाकी और डेस्टिनेशंस की तरह ही खूबसूरत हैं, बीचेस हैं वहाँ पर, माउंटेन्स हैं, आइलैंड हैं। तो आप चाहें तो पटाया और बैंकॉक के साथ ही साथ इन सब जगहों को भी वहाँ जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ वीज़ा ऑन अराइवल के जो प्रोसेस है उसकी, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने शुरू से ही एक रूल जो है, मतलब काफ़ी पहले से ये रूल बनाया हुआ है कि अगर आप थाईलैंड जाते हैं तो आपके पास 10,000 थाई बाट या फिर उतने की ही US डॉलर की करेंसी होनी चाहिए। इंडियन करेंसी को वहाँ बहुत ज़्यादा वो लोग नहीं मानते हैं। तो अगर आप इंडिया से थाईलैंड जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो मैं सजेस्ट आपको यही करूँगा कि आप अपने साथ जो है
या तो सिंगल अगर आप जा रहे हैं तो 10,000 baht की करेंसी आप अपने साथ यहाँ से लेके जाएं। इंडिया में बहुत इजीली जो है थाई बाट मिल जाते हैं, वहाँ की करेंसी बहुत इजीली मिल जाती है। आप ये ना सोचें कि वहाँ जाकर के आप वहाँ की करेंसी एक्सचेंज कर लेंगे या वहाँ जाकर के जो है आप उस करेंसी को मैनेज कर लेंगे, तो वो चीज़ नहीं होगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि एयरपोर्ट पर ही वो लोग आपसे जो है करेंसी शो करने के लिए कहते हैं, और उस कंडीशन में अगर आप पहले से ये प्लान करके चल रहे हैं कि आप वहाँ जा करके करेंसी मैनेज कर लेंगे तो वो आपको मुसीबत में डाल सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर वो आपसे करेंसी शो करने के लिए कहते हैं और आपके पास करेंसी नहीं है तो बहुत ज्यादा चांसेस ये हो जाते हैं कि वो आपको अपनी कंट्री से वापस आपकी कंट्री भेज दें, यानी कि वापस आपको इंडिया भेज दें। तो ऐसी कंडीशन ना आए, तो इसके लिए मैं सिर्फ आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर अकेले जाते हैं तो पर पर्सन के हिसाब से वहाँ पर 10,000 baht की करेंसी आप कम से कम अपने साथ लेके जरूर जाएं। अगर आप बाट नहीं लेके जा सकते हैं तो आप US डॉलर जो है वो अपने साथ लेके जाएं, वो कैरी करें, वो वहाँ जाके आप इजीली कन्वर्ट करा सकते हैं वहाँ की लोकल करेंसी में भी, और वहाँ की जो इमिग्रेशन है वो उस चीज़ के लिए आपको मना नहीं करने वाली है कि आप US डॉलर क्यों लेके आए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो मिनिमम आपको जो है रिक्वायरमेंट 10,000 baht की जगह वो 20,000 baht हो जाती है और डबल हो जाती है अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो 20,000 या तो बाट आप लेके जाएं, थाई बाट आप लेके जाएं, या फिर उतने की ही आप जो है US डॉलर की जो करेंसी है वो अपने साथ कैरी करके ज़रूर चले। इंडियन करेंसी आप लेके जाएं लेकिन बहुत ज़्यादा ना लेके जाएं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है इंडियन करेंसी को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है इस चीज़ को लेकर के। हालांकि इंडियन करेंसी भी वहाँ एक्सचेंज हो जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे रेट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो बेटर यही रहेगा कि आप इंडिया से ही अपनी जो करेंसी है थाई बाट की वो यहाँ से कैरी करके जाएं या फिर अपने साथ US डॉलर्स लेके जाएं। बाकी घूमने फिरने के लिए वहाँ पर आपके बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, होटल्स के वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, खाने का आपके लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे शॉपिंग की बात करूं तो शॉपिंग के लिए अभी आपको जो है वहाँ बहुत ज़्यादा जो है ऑप्शन मिल जाएंगे थाईलैंड के अंदर। बहुत अच्छे जो रेट्स हैं वो आपको थाईलैंड में मिलने वाले हैं शॉपिंग से रिलेटेड। इसके अलावा वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा वैरायटी भी जो है आपको शॉपिंग के लिए थाईलैंड में मिल ही जाएगी। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं आपसे थाईलैंड के लिए तो एक बहुत परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है अपना इंटरनेशनल ट्रिप शुरू करने वाले जो इंडियंस हैं उनके लिए। तो अगर आप जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप करना चाहते हैं, कम बजट है आपका, बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, तो आप थाईलैंड को जो है वो चूज़ कर सकते हैं। 30 अप्रैल 2020 तक जो है थाईलैंड जाना आपके लिए एक बहुत अच्छी डील साबित हो सकता है, क्योंकि चीपेस्ट तो है ही थाईलैंड जाना। इसके साथ ही साथ जो वहाँ पर वीज़ा अराइवल पर लगने वाली फीस है जो कि 2,000 baht यानी कि इंडियन करेंसी में, मैं दोबारा बताऊँगा कि 4 से 4,500 रुपये के आसपास वो अमाउंट बैठता है, तो वो अमाउंट निश्चित तौर पर जो है आपका बचने वाले हैं। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो एक अच्छा खासा अमाउंट जो है आप सेव कर सकते हैं। उसको आप वहाँ सेव करने के साथ साथ ही थाईलैंड में उसको स्पेंड करके अपने लिए हॉलीडेज और ज़्यादा जो है अच्छी बना सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको थाईलैंड के पैकेजेस चाहिए तो वो आप हमसे बहुत अच्छे रेट्स में ले सकते हैं। हम लगातार जो है थाईलैंड को लेकर के अपने पैकेजेस जो है वो निकालते रहते हैं। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, उसका जो डिटेल है वो नीचे आपको दिखाई इस वीडियो में देता रहेगा, हमने कंटिन्यूसली उसको चलाया हुआ है। तो आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर जा कर के थाईलैंड से रिलेटेड या फिर और भी जगह अगर आप जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आप अपने ऑप्शंस देख सकते हैं, इवन टिकट्स जो है आप बुक करा सकते हैं, या फिर अगर कोई भी आपको और क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर भी हमने जो है अपना नीचे दिया हुआ है, तो आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें, और सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो हम कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द जो है पूरा करने की। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए वीडियो कैसी लगी, और अगर वाकई में अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें।